हेलो लर्नर्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इलेवेंथ वर्कशीट व्हिच इज़ फ्रॉम योर सिविक्स सेकंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन इन आर प्रीवियस सेशन हम डिस्कस कर चुके थे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती ही क्यों है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हम कल से पढ़ रहे हैं ये कैसे बना था कैसे फॉर्म हुआ क्या ये उतना ही आसान था जितना हमने दो लाइन में पढ़ लिया इसको कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें नियम लिखे गए हैं और उस देश के नागरिकों को उन नियमों को पालन करना है दैट्स सेट नहीं स्टूडेंट्स आपको पता है हम एक काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेज़ों के अधीन रहे हैं उनके कॉलोनियल थे उन्होंने हमें एक्सप्लॉयट किया हमने अपनी फ्रीडम के लिए बहुत स्ट्रगल किया जो फिफ्टीन अगस्त हम एक दिन और जो रिपब्लिक डे हम एक दिन मना करके उसको भूल जाते हैं उसको सेलिब्रेट करने के बाद हम भूल जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस एक दिन को इन्जॉय करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ को सेक्रीफाइज किया है आपने गदर जैसी मूवीज़ या महात्मा गांधी पर बनी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें उस फ्रीडम को के स्ट्रगल को उस सेक्रीफाइस को दिखाने की कोशिश की गई है भगत सिंह के ऊपर कितनी मूवीज़ बनी हैं आपने वहाँ से आइडिया लगा लिया होगा कि उन लोगों का लाइफ कैसे था उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को एक मिनट में अपने देश के लिए सेक्रीफाइस कर दिया नाइन फिफ्टीन ऑगस्ट नाइनटीन को हम फ्री हुए और उसी समय पर पार्टीशन हुआ था इंडिया का तो आपने देखा होगा कितना दिल दहला देने वाला दृश्य होता है हमारा रोम रोम सोच कर ही खड़ा हो जाता है कि उस समय जो ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी वो कितनी सक्सेसफुल थी कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के मन में इतनी नफरत थी कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे लेकिन उस सिचुएशन से हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको ये समझ आ गया था कि जब ब्रिटिशर्स भारत से चले जाएंगे तो उन्हें अपना देश कैसे चलाना है उन्हें किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए कि सारे सिटीजन्स उसको फॉलो करेंगे तो आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं लेकिन डिस्कशन से पहले यदि आपने मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसके साथ में ही एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए उससे आपको मैं जो भी कोई नई वीडियो डालूँगी मेरे चैनल पर आपको उसका लिंक पहले से मिल जाएगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसको इंजॉय कर पाएंगे तो शुरू करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था जैसा कि पत आप लोगों को पता है कि भारत एक बहुत ही ह्यूज़ यानी कि विशाल और विविधता यानी डायवर्सिटीज़ वाला कंट्री है और इतनी डायवर्सिटीज़ होने पर कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ से भाषा बोली कपड़े पहनने का तरीका खाना खाना भाषा सब बदल जाता है धर्म बदल जाता है तो इतनी डाइवर्सिटीज़ में केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना और ये एक्सपेक्ट करना कि सभी उसको फॉलो करेंगे उसमें लिखे गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानेंगे इट्स अ बिग और यू कैन से अ वेरी बिग चैलेंज टू द पॉलिटिशियंस। लेकिन उस बंटवारे से वो समझ गए थे कि उन्हें किस तरह की का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और बहुत सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आने वाली थी उन सबको उन्होंने पहले से ही एज्यूम कर लिया था उन्हें पहले से ही उनको एक्सपीरियंस कर लिया था तो जब कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क बना तो उन्हें लगा कि सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन uh, में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक विस्क मताधिकार जिसके अंतर्गत 18 वर्ष के नागरिकों को उनके धर्म जाति रंग आदि के भेदभाव के बिना एक राइट टू वोट मिलता है जिसे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव या अपने पॉलिटिकल लीडर्स चुनने के लिए यूज़ करेंगे वो देना बहुत इम्पोर्टेंट था सेकेंड थिंग सबके पास फ्रीडम होनी चाहिए सब इक्वली ट्रीट किए जाने चाहिए यहाँ इक्वालिटी का मतलब समानता है और जो माइनॉरिटीज़ हैं स्पेशली जो अल्पसंख्यक हैं यानी जो संख्या में कम हैं उनके साथ जो मेजॉरिटी है वो किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव ना करे इसलिए उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी था अब इन सारी सिचुएशंस से हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक आपसी समझ बन चुकी थी कि उन्हें अपने संविधान में किस तरह के मौलिक सिद्धांत बेसिक प्रिंसिपल्स की, की ज़रूरत है जिससे हम इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री एक रिपब्लिक कंट्री प्रूव कर सकेंगे अब हम बात कर लेते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो कैबिनेट मिशन था वो भारत आया था उस ब्रिटिशर्स का एक ऑफिशियल्स का एक ग्रुप था जिन्हें यहाँ पर आ, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया है उन्हें कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन करना था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती क्या है स्टूडेंट्स ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों का एक संगठन था जिन्हें किस उद्देश्य के लिए गठित किया गया था किस उद्देश्य के लिए चुना गया था टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए उनको चुना गया था अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली की जो फर्स्ट मीटिंग है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई जिसके अंदर सारे बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया गया आपसी समझ को विकसित किया गया उसके साथ साथ ये भी डिसाइड किया गया कि कौन सी कमेटी क्या काम करेगी उसके बाद जो लास्ट सेशन था वो ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन को हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को टू ईयर्स इलेवन मंथ्स एंड एटीन डेज यानी दो वर्ष ग्यारह महीने और अठारह दिन का समय लगा टोटल इलेवन सेशंस हुए वन सिक्सटी डेज़ व सॉरी वन सिक्सटी फाइव डेज तक टोटल सिटिंग हुई टू नाइन्टी नाइन मेम्बर्स थे और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो छब्बीस नवम्बर नाइनटीन को बनकर तैयार हो गया था उसे हमने अडॉप्ट कर लिया था आपने जो प्रियम्बल देखी होगी कॉन्स्टिट्यूशन की या जिसे आप कह सकते हो उद्देशिका आपकी जो सिविक्स की बुक है उसके फ्रंट पेज पर आपको वो मिल जाएगी इंग्लिश में उसको प्रियम्बल कहते हैं और हिंदी में उसको उद्देशिका कहते हैं तो आपको वो फ्रंट पेज पर मिल जाएगी आप उसमें नीचे देखेंगे तो यही डेट मैंशन की गई है लेकिन हम अपना रिपब्लिक डे ट्वेंटी जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इसको लागू नाइनटीन ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन को किया गया था नाउ अब आप आपके लिए एक होमवर्क है स्टूडेंट्स आप ये पता लगाएंगे कि जब 26 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट कर लिया था तब तो हमने उसको 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप कोशिश करो फाइंड आउट करने की यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर एक्सप्लेन करूँगी अब हम बात कर लेते हैं इसके मेम्बर्स की तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जो बाद में हमारे फ्री कंट्री जब हम हुए इंडिपेंडेंट हुए तो उस समय पर हमारे फ़र्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका हेड जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे हेड ऑफ़ ड्राफ्टिंग कमेटी वोज़ डॉक्टर भीमराव राव अम्बेडकर फर्स्ट प्रेजिडेंट वोज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाउ द एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है उसे कैसे लागू करें मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर संविधान को दोबारा से लिखा गया और उसके बावजूद भी वो एक कागज का टुकड़ा या आप एक कह सकते हो एक किताब बन के ही रह गया उसको फॉलो नहीं किया गया लेकिन हमारा जो देश है सेवेंटी इयर्स से ज़्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हो गए हैं लेकिन फिर भी सारे सिटीजन्स वो चाहे किसी भी धर्म से संबंध कर रखते हों हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इक्वली दिल से फॉलो करते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम सब इक्वली प्लेस दी गई है हम चाहे किसी भी धर्म से संबंध रखते हों आज़ादी से पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था लेकिन आफ्टर फ्रीडम ये सिटीजन्स को दी गई ताकि किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बदल जाती हैं समय बदलता है तो वस, आ, हमें उसके अंदर कुछ संशोधन करने की ज़रूरत होती है उस समय पर जो संविधान लिखा गया था सेवेंटी ईयर्स पहले तो हो सकता है उस समय पर वैसी प्रॉब्लम्स या वैसी स्थिति नहीं रही हूँ जैसे कि आज हैं तो टाइम टू टाइम हम इसमें संशोधन करके समय के अकॉर्डिंग समय की डिमांड के अकॉर्डिंग समय की मांग के अकॉर्डिंग इसके अंदर नए नए अमेंडमेंट्स हमने किए हैं जो नई बातें हैं वो हमने उसमें संशोधन करके उसको ऐड कर दिया है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए हमेशा से ही एक रिस्पेक्टेबल रही है हमने हमेशा उसकी रिस्पेक्ट की है और हमेशा उसको फॉलो भी किया है दिस इज़ योर वर्कशीट ये दोनों ही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही मैंने आपको यहाँ पर दी है आप इसको पढ़िए समझिए यदि कोई भी पॉइंट है जो आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मैं पूछ सकते हो कमेंट करके एंड नाउ द टाइम ऑफ क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिटूंट असेंबली क्या होती है जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उसके चेयरमैन कौन थे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब लागू हुआ था स्टूडेंट्स आपसे कब अडॉप्ट किया गया था ये नहीं पूछा है कब इम्प्लीमेंट हुआ था वो पूछा है इफ़ यू वर आस्ट टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर योर स्कूल वट आर द थिंग्स यू विल टेक केयर ऑफ यदि आप सोचिए कि आप उस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड हैं और आपको अपने स्कूल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो आप कैसे कैसे नियम या कैसी कैसी चीज़ें जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो आप ध्यान रखोगे किन किन बातों का वो बातें आपको लिखनी हैं एंड दैट्स ऑल फॉर आय टू डेज वर्कशीट इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक यू कैन आस्क मी यू कैन कमेंट मी आई डेफिनेटली गिव यू द आंसर एंड माई वीडियोज़ विल हेल्प यू इन योर स्टडीज थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे स्टे सेफ स्टे हेल्दी स्टे होम